वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एटीपी मंत्रा। तो आज जो है हमारा टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या आज तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो आगे जो है हम फर्दर अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ में जितने भी हमारे डेरिवेशंस और जितने भी थ्योरीज की ज़रूरत होंगी वो सारी की सारी को क्या है हम साथ में करते चलेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का क्या है और ऐसे ही आगे क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्लैंक कांस्टेंट हैज़ डायमेंशंस ऑफ, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट के क्या डायमेंशंस हमें निकालना है और ये बताना है कि किसके बराबर जो है हमारा जो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन है वो है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसा, ये जो आपका एच रिप्रेजेंट कर रहा है वो है क्या प्लैंक कांस्टेंट, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी और ये क्या है आपकी एनर्जी, ठीक है। ये यूज कहाँ पे होता है? अब जब क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन हम दे रहे थे, ठीक है ना, आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में की जब हम बात करते हैं तो उस समय हम ये बात करते हैं कि जो हमारा एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वन प्लेस से अनदर प्लेस पे, तो वो क्या है बंडलों के फॉर्म में जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और उस जो बंडल कहते हैं कि वो जो फोटोन की एनर्जी होती है ना वो क्या एच म्यू के बराबर होती है, ठीक है, या फिर क्या है इसके मल्टीपल में होती है, इंटीग्रल मल्टीपल में क्या है एनर्जी का जो होती है वो ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ठीक है। तो अब क्या है हम बात कर रहे हैं कि भाई हमें एच की निकालना है कि डायमेंशंस क्या हैं, तो ई अपॉन म्यू, ठीक है। देखो भाई याद करो एनर्जी का हर जगह यही यूज होने वाला है, एम एल टू पावर टू टी दी पावर माइनस टू, एनर्जी का आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग फोर्स का याद कर लीजिए, ठीक है, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन आपका ये डायमेंशनल फार्मूला है, ये जो है बार बार यूज होते रहते हैं अदर फार्मूला में, तो आप इसको निकालने लगेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा, फिर क्वेश्चंस आपको सॉल्विंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हुआ और कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में भाई सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है टाइम, ठीक है। तो अब जो है हम म्यू की बात करें तो वो होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में अगर हमें रिलेशन पता होता तो वन अपॉन टी होता है, तो ऊपर जाएगा क्या जाएगा वन माइनस टी जो है टी डिपावर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। ले जाते हैं एम एल स्क्वायर टी डिपावर माइनस वन, ठीक है, ये माइनस वन ऊपर जाएगा प्लस वन हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन हो जाएगा। तो अब देखते हैं भाई हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ, तो ऑप्शन दिया हुआ है फोर्स दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। तो हम देखते हैं भाई ए हमारा अगर फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स के लिए फार्मूला होता है एम एल टी टू पावर माइनस टू, ठीक है, फोर्स के लिए तो ये होता है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं एम इन टू ए से है, ए जो रखा आपने ये रखा है एम और ये हो गया एल टी टू पावर माइनस टू, इससे निकाल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे आप, इसको फोर्स का भी मैं यही कह रहा था कि आप लोग याद रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एनर्जी की तो भाई एनर्जी के बराबर तो हो ही नहीं सकता, बी ऑप्शन जो है हमारा एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी का क्या एम एल टू पावर टू टी टू पावर माइनस टू यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब सी ऑप्शन पे देखते हैं, सी ऑप्शन जो है हमारा लिखा हुआ है लीनियर मोमेंटम और जो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा एंगुलर मोमेंटम का है। तो अगर हम बात करें सी लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम के लिए आई होप सबको फॉर्मूला पता होगा, लीनियर मोमेंटम के लिए होता है क्या एम इंटू वी, अब देखते हैं इसमें हो रहा है कि नहीं, एम जो है आपका क्या मास है, वी जो है एल टी टू पावर माइनस वन, ये वाला भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, एम एल टी टू पावर माइनस वन हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये वाला भी तो हो नहीं सकता। तो देखते हैं अपना फोर्थ वाला डी जो ऑप्शन है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के लिए ये होता है क्या पी इंटू आर होता है, ठीक है, पी जो है आपका लीनियर मोमेंटम हो गया और आर जो है जैसे रोटेशन हो रहा है, सपोज मान लीजिए ये रोटेशन एक्सिस है और कोई एक ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे चारों रोटेट कर रही है, तो इसके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना इस मास से इस रोटेशनल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही आर जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई ये हो सकता है कि नहीं, तो यहाँ देखते हैं पी जो है आपका एम वी हो गया, आर जो हो गया इसमें क्या है लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला यूज होगा, ये हो जाएगा एम, वी जो हो जाएगा एल टी दी पावर माइनस वन और ये हो जाएगा आपका एल, टोटल हो गया कि आपका एम एल द स्क्वायर टी पावर माइनस वन, ठीक है। तो ये जो हमारा डी वाला ऑप्शन होगा
ये सही होगा, ठीक है ना। ये देखो मैच कर रहा है आपस में, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट आर सेम एज डेट ऑफ, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है हमें देखना है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इसमें किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले तो भाई साहब वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, ये होता है भाई साहब डी वी अपॉन डी एक्स। डी वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या है, चेंज इन पोजिशन कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि मल्टीपल लेयर्स हो गई, अगर कोई स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है कोई फ्लूइड, तो जैसे अब ये परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है ना, ये आपका एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज इससे यहाँ ऊपर गया तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, और ऐसे जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी सपोज वी है, और यहाँ पे जो है ऐसे वी वन ले लेते हैं, या फिर इसको ले लेते हैं वी वी प्लस डेल्टा वी ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे होते हैं तो या तो वेलोसिटी, देखिए v प्लस डेल्टा v क्या, v माइनस डेल्टा v भी हो सकता है, ठीक है। वेलोसिटी जो है या तो डिक्रीज भी हो सकती है या तो इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। तो प्लस माइनस सब यूज किया जाता है। बट अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हो क्या रहा है, तो इसे इरेज कर देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि जो है आपका वेलोसिटी जो है चेंज हो रही होती है क्या पोजीशन के साथ में, तो इसी को क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको फॉर्मूला। अब देख सकते होंगे भाई साहब जब v यूज किया हुआ है तो यहाँ पे जो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो वो हो जाएगा एल टी डी पावर माइनस वन, वेलोसिटी वाला यूज होगा, और यहाँ पे लेंथ वाला यूज होगा, तो ये हो जाएगा आपका एल टी डी पावर माइनस वन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं भाई हमें ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी, तो अगर हम ए की बात करें टाइम पीरियड तो भाई साहब टी, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। टी है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस वन है। बी वाला ऑप्शन देखते हैं क्या है। बी वाला हमारा जो ऑप्शन है वो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी म्यू से या फिर एन से किसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एज योर विश, आपकी जिससे भी मर्जी हो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा होता है फॉर्मूला वन अपॉन टी, तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा टी डी पावर माइनस वन, ठीक है ना। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें स्मॉल टी से भी डिनोट कर सकते हैं एज योर विश की, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं टाइम पीरियड को, और ये जो है टी डी पावर माइनस वन। अब ऑप्शन तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, चाहे तो इतना ही रहने देते हैं, या फिर आगे के भी हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें और एक्सेलरेशन की बात करें, ठीक है, वैसे तो हमारे ये ऑप्शन है, लेकिन चलिए ठीक है, दो ऑप्शन और भी दिए हैं उनको भी चेक कर लेते हैं कि भाई वो कितना है, या फिर सपोज मान लीजिए कि अगर आपको बाद में कोई अदर क्वेश्चन में ये ऑप्शंस दिए हों तो आप कैसे चेक करेंगे, ठीक है ना। साथ में वैसे ऑप्शन जो है हमारा बी वाला ही सही है। तो सी वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दिया हुआ है क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो चारों ओर ऐसे रोटेट कर रहा है, इनिशियल पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है, और पहले जो है ये थीटा जैसे मान लीजिए रोटेट हो गया, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा थीटा है, ठीक है ना। ऐसे बताना ना, जो थीटा होता है वो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको रिप्रेजेंट करता है। तो हमको जो पता है कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सपोज ये हमें क्या है निकालना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो वो हो जाता है थीटा। अब जब हमें डिस्प्लेसमेंट पता हो तो अगर वेलोसिटी निकालनी हो, वेलोसिटी ठीक है ना, वेलोसिटी निकालनी हो तो हम पढ़ते क्या है डी थीटा अपॉन डी टी, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं तो, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा बी सही है। अब आगे इस वाले ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि इनका जो है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि करेंगे कैसे, मतलब इसका ऑप्शन होगा नहीं, बट फिर भी चेक जरूर हम कर लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम, एंगुलर एक्सेलरेशन ही है ना, हाँ एंगुलर एक्सेलरेशन ही है। तो अगर हम जो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें,
तो भाई साहब इसमें क्या होगा, वेलोसिटी का एक बार जो है, जैसे वेलोसिटी टर्म है ये आपका, एक डिफरेंशिएशन कर देते हैं वेलोसिटी टर्म का, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, तो हमारा क्या हो जाएगा डी टू थीटा अपॉन डी टी टू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो है, देखिए ये जो टी का टर्म है इसमें क्या दो बार टी कह सकते हैं, या फिर ये देख सकते होंगे आप ऊपर, ये थीटा वाला टर्म है और ये क्या टाइम वाला टर्म है, ठीक है। तो अब कहने के लिए तो ये सप्लीमेंट्री जो है आपका क्वांटिटी जो होगी, ठीक है। बट क्या है, जब हम डायमेंशनल फार्मूला यूज कर रहे होते हैं तो उसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके ही क्या डायमेंशनल फार्मूला को मैं रिप्रेजेंटेशन के समय में यूज करते हैं, ठीक है। तो अपना जो थीटा वाला तो कुछ होगा नहीं, कोई डायमेंशन नहीं लेंगे, तो वन अपॉन ये जो आपका टाइम वाला आपका ये टी, देखिए टी वाला जो है इसका ले लेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर, और बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या टी द पावर माइनस टू। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं था, बट हम आपको करके दिखा रहे थे। अब एक्सेलरेशन की बात है, अगर आप एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन के लिए तो भाई एल टी द पावर माइनस टू होता है, ये आपको पता ही होगा कैसे होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, ऐसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इस फॉर्मूले से जो है ये हमने निकाला है। तो डी वाला ऑप्शन तो एल टी द पावर माइनस टू हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन टी द पावर माइनस टू है, और अपना जो ऑलरेडी है ऑप्शन बी वाला वो जो हमने सही कर चुके हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये जो मैंने अभी आपको एंगुलर एक्सेलरेशन करवाया है ये आपको फर्दर और क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है, तो आप कैसे निकालेंगे ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा ठीक है, ये वाला तो हमने पहले भी बता रखा है आपको, द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी, ठीक है ना। वैक्यूम सी में देखिए ये वाला फॉर्मूला तो आप लोग याद रख लीजिए, कोई ना कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में लगभग लगभग तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ ही देता है, ठीक है ना। या तो इसकी वैल्यू पूछ देता है, या फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ देता है, या फिर इसका यूनिट पूछ देता है, कुछ भी पूछता है, ये वाला काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो आप जो है इसको देख सकते होंगे, ऑप्शन जो है अगर स्क्वायर कर देते हैं तो देखते हैं भाई क्या कर लेते हैं इसको, अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखते कौन सा वाला ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन जो है हमारा डी ऑप्शन जो है सही है, क्या ऑप्शन डी सही है, देख सकते होंगे उसमें ऐसे लिखा होगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन सी स्क्वायर है, ठीक है ना। ये वाला सी नीचे गया, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले आया है, तो ये हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही दिया हुआ है, ठीक है। आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो दिया हुआ है इफ़ द एरिया ए, ठीक है भाई साहब। सबसे पहले तो देखते हैं एरिया, एरिया दिया हुआ है ए, फिर दिया है वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी दिया हुआ है, और फिर क्या डेंसिटी रो रो आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट्स, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स, ठीक है भाई साहब। इसमें क्या है, इसने डेंसिटी वी ले लिया, डेंसिटी रो ले लिया है, फंडामेंटल यूनिट्स कंसिडर कर रहा है, और बोल रहा है कि भाई साहब हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, इसके टर्म में जो हमें रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस हम ये कंसिडर करेंगे सपोज जो ये आपका फोर्स है वो जो है इनके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ए वी और क्या रो की। अब क्या ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को जब ये जो सिंबल है इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा क्या के ए वी रो, हम इसको क्या अपने सुविधा के लिए वन ले लेते हैं ना, वन के इक्वल में ले लेते हैं, ठीक है, वन के इक्वल में ले लेते हैं, और इसको फिर क्या ऐसे हटा देते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दें, कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसमें क्या यूनिट पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट ऐसा कंसिडर हम करते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि सिर्फ इन्हीं तीनों चीज़ों पे क्या डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब जो है हम देखते हैं भाई फोर्स का हमारा क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या एम एल टी द पावर माइनस टू। ए की बात करें तो ये आपका एरिया है, तो एरिया के लिए एल स्क्वायर, वी है तो एल टी द पावर माइनस वन हो गया, और रो है तो भाई साहब होता है क्या एम मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो ये हो जाएगा क्या आपका एल द पावर क्यू माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आपस में इनको भाई साहब, सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखना भूल गया था, यहाँ सबसे ऊपर ही ये जो ए है वी है और जो रो है ना वो क्या
पावर ए पे डिपेंडेंट है, पावर बी पे डिपेंडेंट है, पावर सी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ तो भूल गया था, लेकिन चलिए लिख लेते हैं इसको। ये हो गया आपका। अब देखते हैं भाई साहब, एल वाला टर्म एक जगह, टी वाले एक जगह और एम वाले एक जगह। तो एम डी पावर सी एक ही जगह है, देख सकते होंगे, सिर्फ यहाँ पे है। अगला देखते हैं, एल वाला यूज कर लेते हैं। तो एल टू ए यहाँ से, यहाँ से बी, और यहाँ से भाई साहब माइनस थ्री सी, ठीक है। टी वाला देखते हैं, टी वाला कितने हैं, यहाँ इसमें टी है नहीं, इसमें टी है, इसमें टी नहीं है। तो टी डी पावर माइनस पी, ठीक है भाई साहब। अब इधर देखते हैं, एम एल टी डी पावर माइनस टू। अब कंपेरिजन करेंगे बोथ साइड का, क्या हमें मिल रहा है वो देखते हैं। उसके बाद से भाई ये जो हमारा फॉर्मूला होगा ना, ये फॉर्मूला, अब फॉर्मूला कर रहा हूँ, ये जो अपना इक्वेशन बनाया है इसमें क्या है, पुट कर देंगे ए बी सी की वैल्यू। पहले निकाल तो लें क्या आया है। तो इसमें m का पावर एक है, इसमें c है, तो सीधा सीधा देख सकते हैं c दी पावर क्या, वन हो गया, ठीक है। क्या c क्या है, वन के बराबर हो गया, ठीक है। और अब अगर हम बात करें l, तो l वाला टर्म क्या है, l से पहले तो भाई साहब सबसे पहले हम चला t वाले पे देख लेते हैं। t वाला क्या है, t जो है हमारा b माइनस बी जो है किसके बराबर है, माइनस टू के बराबर है। तो इस हिसाब से क्या है, b जो है हमारा टू के बराबर है। हमें तो c और b का मान मिल गया है वैल्यू, मतलब अब हम जो देख रहे हैं तीसरा हमें a की निकालनी है। तो 2a प्लस बी माइनस थ्री सी जो है हमारा 1 के बराबर है। अब इसमें क्या है, b और c की वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 2a, b की वैल्यू जो है हमारा 2 है, 3c, c की वैल्यू क्या है अपना 1 है, मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू ये 3 में से क्या 2 माइनस कर दिए, तो हमारा मिल जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा 1, a की वैल्यू जो हमारी हो गई 1, देख लीजिए b की 2 और c की 1। तो इस कंडीशन में अगर हम जो है इक्वेशन 1 में अपना वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा मिलेगा क्या, f इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे कह सकते हैं देख लीजिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हमें इतना तो पता चल जाएगा, हाँ भाई साहब इसकी भी है a दी पावर 1, v का पावर b है, तो यहाँ पर b की वैल्यू 2 है, तो हो गया v स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना रो, c जो है पावर 1 है, तो ठीक है, ये पावर 1 का टर्म लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अब जो है हम क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, कौन सा वाला सही हो सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है, ठीक है ना, ए वी दी पावर 2 और रो जो है हमारा, देखिए ये जो है हमारा ऑप्शन जो 1 है, ठीक है ना, ऑप्शन 1 क्या, ए जो है हमारा ऑप्शन वो क्या है, सही है। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो देखते हैं, अगर हम जो क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए भाई साहब फिर से हमारा क्वेश्चन आ गया है। ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा TGT 2004 का है, ये वाला जो है हमारा कैंसिल हो गया था, ठीक है। और क्वेश्चन तो खैर ये वाला रिपीटेटिंग क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये वाले भी काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, आपको देखते ही है, आप पहचानते हैं कि नहीं कौन सा f है आपका, क्या कहते हैं, p प्लस e अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। ये इक्वेशन आपको याद आ रहा है, इसमें दिया भी हुआ है, कौन सा इक्वेशन है भाई साहब, देख लीजिए। आपको आइडियल गैस इक्वेशन को जो है कुछ करेक्शन के साथ में, ये इक्वेशन जो है हमने आपको वैन डेर वाल्स की बताया था, ठीक है, वैन डेर वाल्स इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि आपका ये टर्म क्यों आया था और ये टर्म क्यों आया था, अगर आपको याद नहीं है तो फिर से बता देते हैं, उसके बाद से जो है हम अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसका जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है आ रहा है, ठीक है। तो भाई साहब सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देना कि जब हमारा रियल आइडियल गैस लिया गया था, आइडियल गैस जब लिया गया था तो उस कंडीशन में दो चीज़ें जो है काउंट नहीं की गई थी। पहला क्या है, इंटर मोलिकुलर जो फोर्स था उसको कंसिडर नहीं किया गया था, ठीक है ना, इसको कंसिडर नहीं किया गया था। और जो दूसरा था वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स देते हैं, मॉलिक्यूल
ठीक है। तो ये जो आपका एयर मॉलिक्यूल्स था उसका वॉल्यूम जो है इसको भी कंसीडर नहीं किया गया था, ठीक है। तो अब जब क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कंसीडर नहीं किया गया था, तो उस कंडीशन में क्या होता था, हमारा जो प्रेशर टर्म था, अगर आइडियल गैस की बात करें इस वाले में पी वी जो आर टी है, तो इस कंडीशन में क्या था कि जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कंसीडर नहीं किए थे तो उस समय क्या हमारा जो प्रेशर वाला टर्म था वो कम आ रहा था, ठीक है, आइडियल गैस कंडीशन में। तो भाई साहब करेक्शन किया गया और बताया गया कि नहीं, सिर्फ पी नहीं होता है इसमें, ए अपॉन वी स्क्वायर जो है ये एक्स्ट्रा टर्म होती है, ठीक है, मतलब हमारा जो प्रेशर होता है वो अधिक होता है। फिर दूसरी कंडीशन क्या था कि वॉल्यूम ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स जो है हमारा नहीं कंसिडर किया गया था। तो अब उस कंडीशन में क्या हुआ कि जब इन्होंने कंसिडर किया नहीं, तो यहाँ पे जो है ये देखिए, ये रियल गैस कंडीशन में, सॉरी रियल नहीं, आइडियल गैस कंडीशन में क्या है आपका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। पर जब हमने क्या एयर मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को जो है कंसिडर किया, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, हमारा जो है वॉल्यूम कम हो गया, मतलब ये जो बी वाला टर्म है ये क्या माइनस कर दिया गया था। तो अभी जो है हमारा निकालना क्या है, हमें निकालना है ई का जो है डायमेंशंस निकालने की, वो कितनी है। तो भाई साहब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है सेम होगा अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तभी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या आपको कह सकते हैं, क्वांटिटीज़ की जब डायमेंशनल फॉर्मूला जो है सेम होगा, तो उस कंडीशन में क्या है, तभी क्या वो या तो ऐड हो सकता है या तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट। तो ये कंडीशन हमेशा याद रखना कि जब भाई साहब ऐड और सब्ट्रैक्ट कब होगा, जब हमारा सेम यूनिट हो, या फिर कह सकते हैं कि सी डाइमेंशनल फॉर्मूला हो, ठीक है ना, ये दो कंडीशन होती है, तभी क्या है ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है कोई भी क्वांटिटी आपस में। तो अब जो है हम देखते हैं भाई साहब ये होगा क्या है, ई का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा क्या। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए अपॉन वी स्क्वायर का जो डायमेंशंस होंगे, ठीक है ना, डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ पी, ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, इसका जो डायमेंशन होगा वो पी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई ये आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब ये ऐड नहीं होते तो हम नहीं कह सकते कि भाई ये दोनों के जो डायमेंशंस हैं वो सेम होंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ए की निकालनी है, तो ए की निकालने के लिए क्या करेंगे, पी और जो है वी स्क्वायर का क्या डायमेंशन जितनी भी आएगी आपकी उसी के बराबर होगा। तो निकालते हैं भाई साहब इसका कितना आएगा, एफ अपॉन, वैसे तो देखा जाए P के लिए तो होता है F अपॉन A, वॉल्यूम वाला अगर हम लिख देते हैं डायमेंशन इस फॉर्मूला अगर इसका लिख देते हैं तो ये हो जाएगा L क्यूब और ये स्क्वायर है, ये फोर्स के लिए होता है mLt^-2, ये जो है आपका L स्क्वायर हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आपका ये हो जाएगा क्या आपका L^6, देखते हैं ये आ जाएगा -1 प्लस mL^5 t^-2, ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या अपना डायमेंशनल फॉर्मूला। आप देखते हैं कौन सा वाला आंसर सही है हमारा, तो ऑप्शन जो है हमारा सही है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। और आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इन सारे क्वेश्चंस को करने में, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर अदर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, किसी भी जो कि आपको लिंक में प्रोवाइडेड होंगे उससे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और हम आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।